जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आपका इस आध्यात्मिक उत्तर की श्रृंखला में स्वागत है। विषय है, क्या भगवान होने का कोई प्रमाण है? है, परंतु प्रमाण आप प्रमाण समझने लायक है? कितना प्रूफ दिखाओ, प्रूफ प्रमाण दिखाओ। अरे भाई, प्रमाण दिखाने के लिए भी आपको भी उसको देखने के लिए या समझने के लिए भी आपको उस प्रमाण के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं ज्यादातर बोलता हूँ, जैसे आप अपना खून टेस्ट करने जाते हैं, है ना, और वो टेस्ट करने के बाद बोलता है भाई आपको तो टाइफाइड है, आपको तो ये बुखार जो है ये टाइफाइड बीमारी के कारण है, या टीबी है इसलिए है। तो आप कहते हो उससे डॉक्टर से कि मुझे दिखाओ इसे कीटाणु, परंतु आपने तो कभी जिंदगी में मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं, चिकित्सा का विज्ञान लिया ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि वो कीटाणु दिखता कैसे। अब वो डॉक्टर दिखा रहा है आपको माइक्रोस्कोप में, देख देख ये रहा ये कीटाणु है, परंतु आपको नजर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि आप उस ज्ञान के बारे में कुछ जानते ही नहीं। इसी तरीके से भगवान के बारे में प्रमाण के लिए आपको बेसिक तो जानना पड़ेगा। अब प्रमाण भी ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, इसको कहते हैं हम लक्षण के द्वारा प्रमाण समझना, और एक साक्षात प्रमाण को देखना। तो पहले क्या होता है, डॉक्टर भी पहले क्या करता है, जब डॉक्टर इलाज करता है तो पहले उसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं लक्षणों, वो लक्षण देता है, देखता है और लक्षण के अनुसार इमीडिएटली आपको कोई दवाई देता है और बोलता है फिर ये आप खून तपासना। वो भी लक्षण के द्वारा देखता है पहले। और आप भी कैसे जाते हो डॉक्टर के पास? आपको लगता है आप स्वस्थ नहीं हो, तो स्वस्थ ना होने का आपको क्या मिलता है? लक्षण आते हैं, बदन टूट रहा है, सर दर्द हो रहा है, ऐसे लक्षण आते हैं कि नहीं आते? तो इसी प्रकार से भगवान का प्रमाण क्या है? सिंपल, कि भाई कोई भी अकलमंद चीज जिसके पीछे अकल लगी हो, जैसे कैमरा ही है, जैसे आप मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, इसको किसी ने तो बनाया होगा, और वो आदमी बुद्धिमान होगा, मूर्ख तो नहीं होगा, क्योंकि उसने बनाया है। तो इसी तरीके से ये जो सृष्टि बनी हुई है जिसको आप देख रहे हैं, इस मनुष्य को देखिए ना, जिसने ये कैमरा बनाया, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने टीवी बनाया, जिसने ये सब सिग्नल बनाए जो कि आप तक पहुंच रहा है, सब जो आप सुन रहे हैं आप तक पहुंच कैसे रहा है ना, वेव्स है ना, किसने बनाई? इसी उद्देश्य के लिए बनाई होगी, उसके पास बुद्धि होगी उस व्यक्ति के पास। तो इसी तरीके से पहला, आस्ते आस्ते आगे चलेंगे, पहले तो आप लक्षण देखिए कि जब अच्छी चीज बनी हुई है तो उसके पीछे, जैसे पेंटिंग है, कोई अच्छी पेंटिंग होगी तो आप इमीडिएटली मन में क्या आता है, वो क्या कलाकार है। इसी तरीके से जब आप इस प्रकृति को देखते हैं, इस मनुष्य शरीर को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं, तो नहीं लगता कि किसने बनाई हो। तो अभी शुरू के अंदर इसी लक्षण से आप पकड़िए कि कोई है जिसने सृष्टि की रचना करी है, अर्थात कोई डिजाइनर है, कोई रचयिता है, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। किसी डॉक्टर के पास बैठ जाना, बैठ के पूछने लगा, थोड़ा सा पूछ लेना, वैसे तो 10वीं 11वीं तक सब लोग पढ़ ही लेते हैं, आपके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं कि अंदर रेटिना है, कॉर्निया है, कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोन्स हैं, ये सब चीजें हैं, पढ़ लेते हैं 9, 10वीं 11वीं क्लास में, आजकल बच्चे पढ़ लेते हैं सब चीजें। अरे हर चीज के स्पेशल फंक्शन है। आपका जो चित्र है, जब हम आपको देखते हैं, जब आप देखते हैं किसी चीज को, तो उल्टी आती है आंख के रेटिना पे, उल्टी पड़ती है, फिर वो जो आपका ब्रेन है ये उसको सीधा कर देता है। सारा आपके पास जो इमेज आती है वो क्या आती है? इन्वर्टेड आती है। अब देखिए अपने आप कैसे हो गई सीधी भाई, इसके पीछे बुद्धि तो होगी, और वही बुद्धि रखने वाले को हम भगवान कहते हैं। आप उसको सृष्टा कह लो, रचयिता जिसने सृष्टि की रचना करी है, ये तो बड़ा सरल है समझना, कहाँ मुश्किल है ना प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके बारे में। और ज्यादा ज्ञान लेना हो तो भगवद्गीता के अंदर है, और भगवान के बारे में ज्ञान, हाँ डिटेल है, किताबें हैं, उसमें भगवद्गीता मुख्य मानी गई है, उसको सुनिए जानिए। सिर्फ 13 घंटे मांग रहे हैं आपसे। nogita.com पे जाइए, फ्री डाउनलोड कर लीजिए, 13 घंटे में अपना जीवन बदल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौर हरि, हरे कृष्णा।